सुमान आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया सेलेब टॉक शो। और आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं, भैया मराठी इंडस्ट्री में धमाल मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। और अब एक ऐसी फिल्म आ रही है डार्लिंग, जो अक्सर आप अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते हो, हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलते हैं, और जब वाइफ बोलती है अपने हस्बैंड को, समझ जाओ कि शॉपिंग का खर्चा होने वाला है। जी हाँ, डार्लिंग मूवी आ रही है। डार्लिंग का पूरा स्टार कास्ट मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। पहले तो आपका नागपुर में वेलकम है, और थैंक यू थोड़ा प्यार से थैंक यू, क्योंकि हमने बहुत वेट करा है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। चलिए बात करते हैं पहले डार्लिंग से कि कितना टफ था ये मूवी को शूट करना, क्योंकि जब हमने इसका ट्रेलर देखा तो इतना एंटरटेनिंग था, इतना मस्ती वाला था, और जब एक ह्यूमर क्रिएट करना होता है तो बहुत अलग पार्ट होता है। तो ह्यूमर मुझे लगता है सबसे डिफिकल्ट चीज़ है शूट करने के लिए, क्योंकि वो उसमें फेकनेस नहीं आ सकती। ह्यूमर कभी कभी हम आंसू फेक निकाल सकते हैं, हंसी नहीं निकाल सकते। तो इट वॉज अ वेरी टफ टास्क, और उसके लिए हमने काफ़ी वर्कशॉप्स किए और काफ़ी टीम को सिंक में लाना पड़ा उस चीज़ के लिए। इट वॉज अ टफ जर्नी, बट इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी। क्या बात है। निखिल, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि घोड़ी कौन चढ़ेगा? घोड़ी सीधा मुद्दे पे आते हैं। घोड़ी तो मैं ही चढ़ूंगा। अच्छा, घोड़ी आप कुछ भी हो, मैं ही। हमने प्रथमेश को बाजू कर दिया। अच्छा, ऐसा ही नहीं लगता है लड़की का जवाब। आपके हिसाब से घोड़ी कौन चढ़ना चाहिए, प्रथमेश या निखिल? अभी वो तो मैं नहीं बता सकती, वो तो थिएटर में देखना पड़ेगा। अच्छा, सबसे ज्यादा सेट में मस्ती कौन करता था, कौन परेशान करता था डार्लिंग के सेट पर? मेरे लिए तो मेरा डायरेक्टर मस्ती करता था। सब यहाँ देखिए, उनके हिसाब से पूरा फिल्म ही मस्ती में बना। उसी की मस्ती में ये फिल्म बनी है, और होना भी चाहिए। अगर डायरेक्टर के पास अगर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है तो पर्दे में क्या होता रहेगा। तो सभी बहुत अच्छे एंजॉय किए, सभी मस्ती करते थे, हम भी कभी कभी उसमें जुड़े हैं। मस्ती तो मुझे लगता है पूरा यूनिट करता है। क्या बात है। सर आपसे पूछ रहा हूँ, कितना मजा आया डार्लिंग मूवी के शूट के दौरान, क्या क्या चेंजेस लगे, क्या लगा कि क्या बवाल होगा? खैर, हमें बहुत एंजॉय किया हमने इस फिल्म को बनाते समय, और इस फिल्म को जब हम लोग कम्प्लीट किए तो हम लोग पहले ऐसे प्रोड्यूसर्स है कि हमारी फिल्म रिलीज होने जा रही है और हमको कोई भी टेंशन नहीं, एकदम रिलैक्स है। नहीं, जिस तरह हमने ट्रेलर देखा है कि मुझे लगता है कि ट्रेलर देखकर ही लोग एकदम एंटरटेन हो गए और रिलैक्स हो गए कि भैया 10 तारीख को धमाल मचने वाला है। मैं फिर से बता दूं कि 10 तारीख को डार्लिंग मूवी रिलीज होने वाली है। अच्छा, आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ऐसा क्या खूबियां देखना पसंद करोगे जिसे आप डार्लिंग बोलोगे, उसमें क्या खूबियां होनी चाहिए? पहले तो उसका नाम राजा बहू होना चाहिए। ऑनेस्टली आई हैवंट थॉट अबाउट दिस। मैं लिख लेता हूं प्लीज। हाँ, मुझे पता है तुमने ये सवाल क्यों पूछा है। आप जानते हो मुझे। पहले तो वो ऑनेस्ट होना चाहिए। ओके। सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ओके। और बुलेट होनी चाहिए उसकी। जगुआर बुलेट नहीं, पैसे पास है, चैनलिंग के पास है। पैसे मैं कमा लूंगी, मैं लूना वाला हूँ भाई। पैसे आप कमा लोगे, ठीक है। आपका पत्ता काटने के लिए तो ऐसे डीलर दिए जा रहे हैं। उसका कोई टेंशन नहीं है, बस ऑनेस्ट होना चाहिए, सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और प्यार भी तो होना चाहिए। ऑफ कोर्स, नो डाउट। आप ऐसा क्या खुद तो प्यार भी तो होना ही चाहिए, मतलब प्यार होना ही चाहिए। लास्ट नहीं, प्यार भी चाहिए, मतलब मिले नहीं मिले मिलेनियल गर्ल जिसको बोल सकते हैं, परफेक्ट मिलेनियल गर्ल। प्यार तो होना ही। सर आप बहुत प्यारा एक्सप्लेन करते हैं, ये सार्कास्टिक दे रहे हैं, आप एक्सप्लेन कर रहे हो, बड़ा अच्छा लगा। सर आप दोनों मूवी में क्यों नहीं हो, एकदम ऐसे सेंटर में? हम लोग मूवी में है, यही तो सेंटर है, यही सेंटर है। गाड़ने ऐसे हम खुद ना खड़े थे, हम मूवी में हम दिखाई नहीं देते, मिस्टर इंडिया बन के घूम रहे। तो आप प्यार कर डार्लिंग मूवी, मतलब आप किसे डार्लिंग बुलाना चाहोगे, क्या खूबियां देखते हो? जो खर्चा कम करे। हाँ। आप रिजेक्ट करते जाओ, अली बात जाए फोन ना करे। ये कोई खूबियां बात है जिसे रिवील करना चाहिए, ये इनसाइड जोक है, इसे काट देना। नहीं नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, एक खूबियां बात यहाँ पे रिलीज हुई है डायरेक्टर के थ्रू, मैं जानना चाहता हूँ क्या है वो बात। अलीबाग की टिकट ज्यादा निकल रही है आपके पास से, या अलीबाग से कॉल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, डार्लिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे सर, डार्लिंग नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ मैं। जो खर्चा कम करे, लाइफ में फ्रीडम दे,
और जब भी सर के साथ हूँ कभी हाँ। मुझे ना पूछे कि कब आ रहे हो। कब आ रहे हो सर? आपके साथ क्या रिश्ता है इनका? सर के साथ तो पूछो मत। मैं कहा वो लड़की होता तो शादी हो चुकी होती और बहुत हमारा सुनहरा संसार छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे होते इमेजिन कर रहा हूँ यार। अगर वो लड़की होता तो अलीबाग जाते। हाँ ये अलीबाग जाते। गुड सर, आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कभी अपनी वाइफ को डार्लिंग कहकर बुलाया, आपकी वाइफ ने आपको डार्लिंग कहकर बुलाकर शॉपिंग का स्कैंडल खुलने वाले? लाइव नहीं सर, मैं एडिट कर बाद में चुपके से बनाया था। वो डार्लिंग वाला लाइन रखा है कि डार्लिंग तो नहीं, मैंने एग्जैक्टली डार्लिंग नहीं बोला, बट मेरे मोबाइल में उनका नाम है, स्वीट हार्ट सेव है। हाँ, मतलब स्वीटहार्ट बोल रहा हूँ। स्वीटहार्ट। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने डार्लिंग बोल के एकदम प्यार जताकर कुछ ऐसी गलती की हो और आपको एक्स्ट्रा का रोमांस दिखाया हो? मैंने इस चक्कर में फिल्म बना दी डार्लिंग, लेकिन अभी इस चक्कर में पूरी फिल्म बना दी लेकिन नहीं हुआ। शायद ऐसा हो और मुझे अब मुझे लगता है कि हर इंसान एक दूसरे को डार्लिंग बोले ये फिल्म देख करके, तो इससे बड़ा और क्या। सर शुरुआत यहीं से करते, सब एक दूसरे को डार्लिंग बोलते हैं। हम तो बोलते हैं एक दूसरे को डार्लिंग। मैं खुद को भी रोज आईने में देखता हूं। जरूरी नहीं है कि एक जो अपनी गर्लफ्रेंड हो या बीवी हो वही डार्लिंग हो। डार्लिंग तो सर भी हो सकते हैं, डार्लिंग फ्रेंड्स हो सकते हैं। मैं ये बता, आप सर की, अच्छा मैं फिर से एक बार, मां-बाप अच्छा मां-बाप, मुझे लगा आप भी हो सकते हो। मैं इतना खुश हूं। अरे आपकी डार्लिंग हूं मैं बोलता हूं सर, प्लीज कोई तो बोलो। आपको मां और बाप सुनाई नहीं दिया, आपको सिर्फ आप को दे दिया। सर मैं ना छोड़ो सर, हम कहां थे? कहीं तो भी थे हम डार्लिंग तो काफी हो गया। एग्जैक्टली आप ढूंढना मत, आप इंटरव्यू ले रहे हैं। सर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। जो पर्सन स्पेशल होता है वो डार्लिंग होता है। सर ऐसा कोई मोमेंट आया जहां डार्लिंग का शूट, क्योंकि बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म लग रही है, लेकिन ऐसा कोई मोड आया जहां हम सब इमोशनल हो गए हो, जहां ऐसा लगा हो कि यार ये पॉइंट थोड़ा मतलब या मेरे को अपने दूसरे को हग कर लिया हो या ऐसा कुछ? ऋतिका का उस दिन बर्थडे भी था और फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट सीन शूट होना था, और आज भी जब मैं उस सीन देखता हूँ तो मतलब लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं बट मेरे आंसू निकल आते हैं उस सीन में। और इतना हाई वोल्टेज, इतना हाई इंटेंसिटी सीन है वो, और वो तब कर रही है जब उसका बर्थडे केक यहाँ रेडी हो रहा है और ये सब कर रहा है। तो दैट्स वाई आई हैव ट्रिमेंडियस रिस्पेक्ट फॉर रितिका एज एन एक्ट्रेस, बिकॉज हर बर्थडे एंड ऑल दिस मोमेंट इज देयर इन दैट स्पेस। बींग अ वेरी यंग एक्टर, शी इज एबल टू परफॉर्म दिस। और वो बीमार भी थी, बीमार मतलब वो सीन वो टेक हुआ, मैं तो मॉनिटर में देख रहा था, मुझे समझ में ताली का पड़ी, तालियां बज गई थी, तो मैं देखा सब तालियां बज रहे सेट पे, एक इमोशनल सीन पे ताली बजना इज वेरी रेयर। क्या बात है, मतलब वो वहाँ टच हो जाती है। yes, हाँ, exactly. तो सबको टच हुई। और ये फिल्म भी आपको हंसाती भी है और रुलाती भी है दोनों। हमने वो सीन देखा जहाँ अपने अपने आपको कहती है, जाते हुए कह रही है वो ट्रेलर में कि मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसा कुछ तो भी है, खुद को माफ नहीं कर, मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। एग्जैक्टली, हम आते हैं डायलॉग्स पे कि डार्लिंग मूवी का कोई भी एक डायलॉग पहले आप बोलिए फिर एक आप, क्योंकि उसके सारे डायलॉग कमाल के, मतलब लाइक इनके वजह से। हाँ वो सर मैं डायलॉग रहे, इनका फेवरेट डायलॉग मुझे सुनना है। सर आप इनके पास ही आ जाते हैं। मुझे इनका फेवरेट डायलॉग सुनना है। कौन सा फेवरेट डायलॉग है इनका, क्योंकि मैंने अभी चांस मिला है मुझे। सर इधर तो आप भी नहीं कर सकते। एक राजा वो का डायलॉग है कि प्रेम गहरा पाने सारखा असतं, एकदा पडलं की खेचून घेतो पार तळापर्यंत। और ये बात बताता हूँ, ऑन द स्पॉट लिखा था ये, ऑन द स्पॉट हुआ था वो सीन, अलग था। और वहां पे उन्होंने कि ए ऐसा ऐसा करते, और वो हाँ मुझे लगा कुछ एक गहराई वाली बात हो। वो ट्रेलर में भी है वो, उसे एहसास कहते ना कि दिल की बात ऐसे। इट इज लाइक द लव इज लाइक, आपको पानी में आप जब गिरते हो तो कुआं ऐसे खींच लेता है अंदर। एग्जैक्टली, तो आप एक बार गिर गए तो फिर एस्केप नहीं आवाज से, उसका मतलब ये है, समझ रहे हो? इसलिए प्यार थोड़ा ध्यान से करो। डार्लिंग मूवी देखो 10 तारीख को, बार बार प्रमोशन कर रहा हूँ सर, ध्यान रखो मेरे लिए। मैं इनफैक्ट वेट कर रहा था अभी तक आपने बोला। अच्छा अब प्यार की बात है, तो आप लोगों के हिसाब से प्यार, आपके हिसाब से प्यार क्या है विद इन 10 सेकंड? प्यार दोस्ती है। शाहरुख खान की फैन। सर आपके हिसाब से प्यार क्या है? प्यार विश्वास है। विश्वास है, कमा। सर आपके हिसाब से प्यार क्या है? मेरी बीवी है। प्यार, प्यार बहुत कुछ है। मुझे नहीं लगता प्यार को एक शब्द से है। प्यार सेक्रीफाइस है, प्यार मैच्योरिटी है, प्यार एक दूसरे को समझना है, प्यार एक दूसरे के साथ खड़े रहना है, प्यार एक दूसरे के लिए केयर करना है,
प्यार, बहुत सारी चीजों का मतलब प्यार होता है सर। मेरे को पता है आपके पास, हाँ सर आप कुछ बोल रहे हैं, हमें लगा एक ही कुछ तो बोल रहे हैं। शादी नहीं हुई है, शादी के बाद प्यार के बहुत मतलब कर रहे हैं। सर मेरे को पता है आपके यहाँ से बहुत सार्कास्टिक आंसर मिलेगा, पहले इनसे पूछो सर आपके साथ क्या है। अंडरस्टैंडिंग, ओके सर। मैं तो आपका मैं कि इनका स्पेशल मतलब वो जब इंटरव्यू को कवर करके काट कर एकदम अपलोड करना चाहिए। सर आपके हिसाब से प्यार क्या है? प्यार तो मुझे लगता है धूप में छाव है, जो भी हो, जो भी लाइफ में आपकी सिचुएशन हो, प्यार शुड ईज इट डाउन एंड इट शुड हेल्प यू टू यू नो फाइंड विजडम इन योर लाइफ। क्या बात है सर, इतना गहरा दे दी सर। अरे वो मुझे लगा लाइन चार सोचनी पड़ेगी उसके लिए, मुझे लगा ये बोलेंगे प्यार निखिल है। नहीं वो तो है, हमारा बात नहीं हो रही है। सीन क्या है ना, अगर आप ट्रेलर देखोगे ना, इनका कैसा है बताओ, आप ट्रेलर देखोगे बहुत एंटरटेनमेंट लगेगा ए वो है, पर आप जब फिल्म देखोगे थिएटर में अंदर जाओगे तब आपको समझोगे क्या है, वैसे ही इंसान का है। क्या बात है सर, मैं उनकी जितनी बातें सुन रहा हूँ ना, समझ में आ रहा है कि कितने स्पॉन्टेनियस है, कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड फास्ट है इनका और फटाफट। अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि एक ऐसा भी वक्त आया कि जहाँ इनको डांस मतलब बहुत ही बेहतरीन डांसर है हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसा वक्त आया कि जहाँ इनको डांस करने का मौका नहीं मिल रहा था और इनको से पीछे करके ऐसे ही करना था और लड़कों, तो वो क्या था, मैं वो जानना चाहता हूँ। वो एक्चुअली फिल्म में फिलहाल तीन गाने हैं, तो दो गाने जो बड़े नाचो नंबर है और दोनों गानों में इट इज़ वेरी मेल सेंट्रिक गाने हैं दोनों। तो ये हुआ कि यार फिल्म का नाम डार्लिंग है, कहानी एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट की, लेकिन वो डांस नहीं कर रही, तो हम सब ने डिसाइड किया और उसको एक वचन दिया कि नेक्स्ट जो भी हम फिल्म करेंगे उसमें यू विल हैव अ सोलो डांस नंबर। सीधा एक फिल्म मिल गई, वी हैव फुलफिल्ड इन आवर नेक्स्ट फिल्म कॉल्ड मैड, which we are shooting now. मैड मूवी की शूटिंग भी हो रही है और 10 तारीख को डार्लिंग मूवी रिलीज हो रही है, प्लीज थिएटर में देखने जाइए। और मैड फिल्म की शूटिंग हो रही है, इसमें ये भी आ रहे हैं और इन्होंने वादा किया है कि मुझे भी एक आध रोल जरूर देंगे। सर ऐसी मैं बोल देता हूँ कभी को, खत्म हो गई शूटिंग। ये बहुत अच्छा था, सीधा रिजेक्टेड भाई, गेट लॉस्ट ब्रो, सीधा ऐसा बोला इन्होंने मुझे। अच्छा ये जानना चाहिए कि स्पॉन्टेनियस है, फटाफट करना है आपको, इनकी कोई भी दो आदत बदलनी हो तो कौन सी दो बदलोगे? और ये झगड़ा करना, झगड़ा करना, दोनों हमने देख लिया, फ्लर्टिंग तो देखी नहीं, झगड़ा देखी है उसका, उसका भी तुरंत पूछ डालो अभी गरम है ना आपके। हाँ आप उनकी दो आदत बदलनी हो तो कौन सी दो बदलेंगे? ताकते रहते लड़कों को, ओ बदला लिया जा रहा है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, और झूठ बोलना, झूठ बोलो। क्या आप लड़कों को ताकती हो? नहीं ये कह रहे आप झूठ बोलते हो। अच्छा अगर प्रथमेश की दो आदत बदलनी हो तो कौन सी दो बदलोगे? प्रथमेश की वो यहाँ पर है भी, जोक करना किसी भी बात पर, मतलब और वो अच्छा है वैसे लेकिन कभी कभी, और दूसरा तुम बताओ। नहीं लेट आना। अगर आप लोगों को इन दोनों की कोई दो आदत बदलनी हो तो कौन सी दो बदलोगे? निखिल की कमिटमेंट सर, और वो बार बार प्यार में ना गिरे, बार बार प्यार में ना गिरे। तुम मतलब सोच के आए हो, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही थी। फ्लर्टिंग अलग है, प्यार में गिरना अलग, तो गिर ही जाता है ना। ठीक है मुझे ये बहुत कुएं है उसके पास। 10 तारीख को डार्लिंग मूवी रिलीज हो रही है, प्लीज देखिए थिएटर में। हाँ हम कंटिन्यू करेंगे। तो रितिका की ना, रितिका की कौन से दो बातें मैं बदलूंगा? हाँ वो उसका इनर एंगर है, वो कभी कभी बाहर आ जाता है। ओके और वो उसमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ओके दूसरा वो और इवॉल्व हो जाए एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन छोटी भी है सर। इतना कसं चांगलं बोललं माझं, जरा बरं होतं इथं माझं कंफ्युजन। उसकी जो दो बातें बदल रहे हैं वो भी क्यूटी बातें बदल रहे हैं, और वो भी अच्छी नहीं। हाँ अरे मैं तो एक ही क्या है, वो नेक्स्ट फिल्म में है इसलिए। हाँ भाई तब संभालना पड़ता है, वो मैड के प्रमोशन में आएंगे तो बताएंगे क्या बदलना है, ये रूड है एकदम। अच्छा
आपको डार्लिंग के बारे में कोई भी एक यादगार पल जो आपको याद हो सब एक एक बार? एक सेकंड, अभी अच्छी बातें भी तो पूछो। अच्छी बात नहीं, अब हमें तो पता है ना कि अच्छी बातें बहुत सारी हैं। तभी तो डार्लिंग मूवी सुपर हिट होने वाली, दूसरा ट्रेलर, तभी तो यहाँ पर है सब। यादगार मोमेंट, हाँ, डार्लिंग का एक यादगार मोमेंट, 10 तारीख को डार्लिंग मूवी रिलीज हो रही है आपके नजदीकी थिएटर में, प्लीज जाकर देखिए सर। मेरे लिए तो यादगार मोमेंट शूटिंग से ज्यादा, हमारा प्रियू था सर के घर में, हाँ, और सर ऐसे बगल में बैठे थे और वो जो जिस इमोशनल सीन की सर बात कर रहे थे, मुझे किसी की सिसकियां सुनाई दी, मैं देखा सर रो रहे, मैंने कहा सर हमने बनाई है आपने सिर्फ 10 बार के लिए, आप तो मत रोइए। नहीं सर मुझे कंट्रोल नहीं है, मैंने कहा तो वो मेरे लिए, मुझे वो बड़ा वो लगा। मैं अगर 100 बार भी देखूं ये फिल्म तो भी उस जगह और वो उसी उधर रोए, बार बार बीजेम में रोए, अभी परसों हमारा शो था उधर भी रोए, तो मुझे वो लगता है कि यू नो द फिल्म एंड द सीन कैन टच हिम, तो इट विल टच एवरीबॉडी इन द थिएटर। सर डार्लिंग फिल्म को भी एलिब्रेट करेंगे कि क्या है ये फिल्म में, क्या होने वाला है थोड़ा सा, कि ताकि जनता एक्साइटेड हो जाए वो थिएटर में जाने के लिए। मुझे तो लगता है कि ढेर सारा एंटरटेनमेंट है, पोस्ट कोविड विल वी ऑल नीड हैप्पीनेस, सम मोमेंट्स वेयर वी कैन लाफ अलाउड विदाउट थिंकिंग अबाउट वरीज अराउंड अस, एंड डार्लिंग प्रॉमिसेस मल्टीपल मोमेंट्स लाइक दैट। ऑलराइट, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है जिसमें ह्यूमर भी है, इमोशंस भी है, सब कुछ है, पूरा पैकेज है। हमने कल ही फिल्म देखी पहली बार, तो इसलिए वो सारा एक्सपीरियंस ऐसे ताज़ा ताज़ा है, इसलिए मुझे लगता है कि सब लोगों को ये एक्सपीरियंस करना चाहिए और थिएटर्स में जाकर ही एक्सपीरियंस करना चाहिए। क्या बात सर आपसे? फुल टू पैसा वसूल फिल्म है, आप देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। क्या बात है, एंटरटेनमेंट और कमर्शियल फिल्म कैसी होती है वो डार्लिंग को देख के समझना है। सर आप? मुझे ऐसा लगता है डार्लिंग देखने के बाद डार्लिंग इस वर्ड से आप बहुत प्यार करने लगोगे। ओह, और बहुत अलग अलग टेक है डार्लिंग के, आप एक बॉयफ्रेंड भी अपनी गर्लफ्रेंड को डार्लिंग बोलता है, लेकिन एक बाप भी अपनी बेटी को डार्लिंग बोलता है। हाँ जी, तो वो जो डार्लिंगनेस है पूरी फिल्म का, ये आप बहुत टेक अवे लेकर के जाओगे। मतलब आप डार्लिंग ये किसी को बोलने से आपको अच्छा लगेगा, आप इतराओगे नहीं, आप ज़रा हिचकिचाओगे नहीं। क्या बात है, तो 10 तारीख को डार्लिंग मूवी रिलीज हो रही है आपकी नजदीकी थिएटर में। मैं मान यहां से तो अभी मिलूंगा अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए जवाबों के साथ। टिल देन मान से देखते रहिए एमबीसी न्यूज, क्योंकि सच दिखाए बिना छुपाए।